हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। आज हम CDS 2 2017 मैथ्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 को पार्ट 50 में सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हमने CDS 1 और 2 के आपका 2014, 15, 16 के भी पेपर अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अभी तक आपने मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बगल में बेल का निशान आता है, उसको भी क्लिक कर दें, जिससे कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगा उसका अलर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ये मैथ्स एंड मोर के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, इसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। दयाल सर रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली में मैथ्स पॉइंट के नाम से हमारी कोचिंग है, जहाँ एकेडमिक और कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। यहाँ NDA, CDS, SSC की तैयारी कराई जाती है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कर इफ़ 78 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स विच आर प्रोपोर्शनल टू 1/3, 1/6, देन द मिडिल पार्ट हमको निकालना है। तो ये आपका जो प्रोपोर्शनल दिया है ये क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा, 1:1 आपका 1/3, 1/6। इसको हम क्या करेंगे कि इन 3 और 6 का हम LCM लेते हैं तो 6 आ जाएगा हमारा। 6 से इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6:0। इसको भी जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको सबको जब सम करेंगे, हम रेशियो को जब सम करते हैं तो कितना होता है, 6 + 2 + 1, ये कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये इसका मिडिल पार्ट निकालना है 2। तो पहले हम क्या करेंगे, 78 को जिसको हमको डिवाइड करना होता है वो टोटल से हम जो रेशियो का सम आता है उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 78 अपॉन कितना हो जाएगा, 9 इंटू जो ये पार्ट निकालना है, क्योंकि ये जो पार्ट आपका टोटल जो सम हो गया आपका 9 आ रहा है, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं और फिर जितना पार्ट हमको निकालना है, जैसे मिडिल टर्म का निकालना है तो इसका 2 पार्ट है, इसलिए इंटू 2 कर देंगे। तो ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट गया तो 26 आ जाएगा, 52/3। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये कह रहा है कि देयर आर 350 बॉयज इन द फर्स्ट 3 स्टैंडर्ड्स। उसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड इज 2:3, व्हाइल दैट द बॉयज ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड स्टैंडर्ड इज 4:5। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन फर्स्ट एंड थर्ड स्टैंडर्ड। तो यहाँ जैसे मान लो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकेंड स्टैंडर्ड है, ये थर्ड स्टैंडर्ड है। अब इसमें दिया फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो दिया है, 2:3 क्या दिया है, 3 दिया है, और सेकेंड और फोर्थ का जो रेशियो दिया है वो दिया है 4:5 दिया है। अब इसको हमको मान लो कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का तीनों का रेशियो निकालना हो तो जो मिडिल का रेशियो होता है इसको हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है तो 3 और 4 का LCM 12 होगा, ये किससे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किससे हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब ये नया रेशियो जो हमारा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का बनाया, 4:2 = 8 हो जाएगा और 3:4 = 12 हो जाएगा, 5:3 = 15 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो आपके स्टूडेंट हैं आपका 350 डिवाइडेड किस रेशियो में है, 8:12:15। अब ये टोटल रेशियो का जो सम आएगा वो आपका जो आएगा कितना आएगा, 8 और 12 = 20 और ये आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 35 आपका टोटल आ गया सम। ये अब हमको निकालना है किसका, फर्स्ट और थर्ड का। तो फर्स्ट और थर्ड हम यहाँ से देखेंगे तो 8+ कितना हो जाएगा, 8+15, तो 8+15 होगा 23। तो हमको जब इसको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये आपका 35 रेशियो जो है आपका किसके इक्वल है, 350 के इक्वल है। तो 1:1 किसके इक्वल हो जाएगा, 350 अपॉन हम क्या करेंगे, 35 कर देंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 10 हो गया। मतलब 1:1 कितने बॉयज़ के इक्वल है, 10 बॉयज़ के। हमको कितना निकालना है, ये दोनों का ऐड, 8 और 15, ये हो गया 23:3। तो 23:3 जो आएगा, 23 इंटू कितना हो गया, 10, तो ये हो जाएगा 230। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे आपके किस में, फर्स्ट और थर्ड स्टैंडर्ड में कितने होंगे, दोनों मिला के 230 आएंगे। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है देयर आर 48 क्रिकेट बॉल्स, 72 हॉकी बॉल्स एंड 84 टेनिस बॉल एंड दे हैव टू अरेंज इन ए सेवरल रोज इन सच ए वे दैट एवरी रो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ वन टाइप, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड टू फॉर दिस टू हैपन। तो इसमें इन तीनों का क्या निकालना, हमको SCF निकालना है। तो SCF जो है ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे मान लो ये 12 दिया है, 12 से इसको डिवाइड नहीं, ये 4 टाइम होगा, 12 से इसको डिवाइड नहीं, 6 हो जाएगा, 12 से इसको डिवाइड किया तो आपका
सेवन टाइम गया, ये फोर सेवन एट में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए ट्वेल्व क्या हो जाएगा, इसका एस सी एफ हो जाएगा और ट्वेल्व भी इसका आंसर आ जाएगा। अब इससे भी मान लो हम चेक करते हैं, तो सिक्सटीन से ये फोर्टी एट आपका डिवाइड हो जाएगा और सिक्सटीन से ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसलिए आपका ये तो एस सी एफ नहीं हो सकता। सेवनटीन से भी ये आपका डिवाइड नहीं, ये भी नहीं होगा नाइनटीन से, तो इसलिए ये ओरल क्वेश्चन है आपका, ये ट्वेल्व से डिवाइड होता है, देखते ही ये पता चल रहा है कि ट्वेल्व से तीनों डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कराव्यन प्राइजेज राइजेज बाई 12% इफ़ द एक्सपेंडिचर इज टू बी द सेम, वट इज़ द परसेंटेज ऑफ द कंजप्शन ऑफ टू बी रिड्यूस। अब इसमें होता क्या है कि जब हम किसी प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे प्राइस आपका क्या हुआ इंक्रीज हो गया, हमारा जो एक्सपेंडिचर क्या है सेम रखना है, तो हमारा जो इसमें कंजप्शन जो होगा वो क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा, तो कंजप्शन रिड्यूस कितना होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्राइस जिस रेशियो में इंक्रीज होता है उसी रेशियो में जो आपका क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर भी ये क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, बट यहाँ हमको एक्सपेंडिचर क्या रखना है सेम रखना है, तो एक्सपेंडिचर हमारा सेम रखना है, तो इसको हम इजीली ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये 12% दिया है, तो 12% को हम क्या ले सकते हैं 4% जो होता है 1/2 कितना होता है 25 होता है, तो 12% करेंगे तो 4 × 3 = 12 मीन 3/2 कितना हो गया 25। कहने का मतलब ये हुआ प्राइस जो था पहले पहले प्राइस ये कितना हुआ 25 था, अब ये आपका इंक्रीज हो गया 12% में 3 इंक्रीज हो गया, तो अब न्यू प्राइस हो गया वो कितना हो गया आपका 28 हो गया, पहले प्राइस कितना था 25 था, अब प्राइस कितना हो गया 28 हो गया, अब ये कंजप्शन कितना हम क्या करेंगे इसमें से करें रिड्यूस करेंगे, तो अब ये इसमें देखो आपका क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर जो होता है इसमें एक्सपेंडिचर का रेशियो भी एक्सपेंडिचर पहले उसको 25 था, पहले एक्सपेंडिचर क्या था 25 था, अब उसको एक्सपेंडिचर कितना लगेगा आपका 28 लगेगा, बस इसको हम 25 हमको सेम रखना हो तो इसमें इंक्रीज कितने का हो रहा है 3 का, तो हमको जब इसमें मान लो क्या करेंगे डिक्रीज कितना करने पड़ेगा 3 का डिक्रीज करना पड़ेगा 25। अब जैसे मान लो पहले एक्सपेंडिचर इसका 25 था, अब एक्सपेंडिचर मान लो जब इंक्रीज कर दिया प्राइस इंक्रीज कर दिया तो 28 हो गया, अब हमको 28 से 25 ही लाना है, तो 3 का डिक्रीज करना पड़ेगा 25, और 3 का डिक्रीज कितने पे करेंगे हम 28 से, क्योंकि बेस हमारा ये है ना अब 28 हो गया है, 28 से हम डिक्रीज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपका 4 से कट जाएगा 47 जा 4 से कट जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका 3/7 × 25, तो ये हो जाएगा 75/7, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 7 × 1 = 7, ये 0 हो जाएगा 5/7%, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन को और एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो जैसे मान लो कि जितना इंक्रीज होता है आपका जब ये इंक्रीज होगा कि कोई भी चीज़ और एक्सपेंडिचर सेम रखना है, या जैसे ये कई जगह यूज होता है, जैसे मान लो कि कोई एरिया है, एरिया में मान लो लेंथ को इंक्रीज कर दिया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो ब्रेथ को कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे कि एरिया क्या हो सेम हो, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है, उस तरह क्या होता है एक्सपेंडिचर जो होता है जो आपका प्राइस होता है और जो कंजप्शन हो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है तब आपका एक्सपेंडिचर निकलता है, उसी तरह क्या होता है कि इसमें भी होता है एरिया का हो गया आपका आपका ब्रेथ का हो गया, चाहे एक आदमी की सैलरी इंक्रीज कर दी फिर कितना डिक्रीज करेंगे फिर ये सैलरी वही बन जाए, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसका सीधा सीधा इस तरह भी हम कर सकते हैं, जितना ये इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो हमने ये 12% मान लो हमने इंक्रीज कर दिया सैलरी, ये इंक्रीज हो गया तो कितने परसेंट डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज के लिए क्या होता है 12 जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है तो 12/100 में से क्या हुआ इंक्रीज हुआ है तो 100 में प्लस क्या कर देते हैं 12 होता है, इतना परसेंट जो आपका क्या होगा इंटू 100 हो जाएगा, ये इतना परसेंट क्या हो जाएगा आपका ये डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 12/100 + 12 होगा तो 12/112 × 100% हो जाएगा, इसको हम 4 से काट दें 4 × 3 = 12 4 से इसको काटेंगे तो 28 होगा, फिर 4 से काट देंगे तो 7 हो जाएगा 25, तो फिर से ये क्या हुआ 25 × 3 = 75/7% वही आ गया फिर से, तो ये आपका 10 × 5/7% आ जाएगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट, जब इंक्रीज कोई चीज़ होती है अब उसको डिक्रीज निकालना होता है तो जितना परसेंट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज अपॉन इंक्रीज में 100+ इंक्रीज से आप लोग ध्यान रखो कि आपको इसको क्या करना है इंक्रीज करना है, अब कोई चीज़ मान लो कि ये बोल रहा है कि 20% हमने क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, अब कितने परसेंट मान लो कि ये कहे कि एक्सपेंडिचर जो आपका प्राइस जो है 20% डिक्रीज हो गया, अब उसमें एक्सपेंडिचर सेम रहने के लिए जो कंजप्शन कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए, तो जब इंक्रीज निकालना होगा और ये डिक्रीज हुआ है तो फिर उसमें क्या होता है जितना परसेंट आपका डिक्रीज हुआ है दिस अपॉन
हंड्रेड फिर क्या होगा, डिक्रीज करें तो माइनस हो जाएगा 20, इतना परसेंट इंटू क्या होगा 100%, इसको परसेंट में कन्वर्ट करते तो ये 20 अपॉन कितना हुआ 80 इंटू आ गया 100%, तो ये फिर आपका ये कट जाएगा, ये तो 1/4 हो गया, ये 4 से ये कट जाएगा तो 25, तो कितना होगा 25% उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये आपका जैसे डिक्रीज दिया है 20%, तो इंक्रीज क्या होगा आपका 25% होगा। और इसका एक तरीका और था कि जितना जब डिक्रीज होता है, डिक्रीज हमेशा जो होता है इंक्रीज से क्या होगा कम आएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, करें मैन रो डाउन ए रिवर 18 किलोमीटर इन 4 आवर विद द स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 10 आवर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कर रहा है द स्पीड ऑफ द मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट ये आपका विद द स्ट्रीम होगा और ये अगेंस्ट द स्ट्रीम होगा, अगेंस्ट द स्ट्रीम जो इसकी होगी 18/10 होगा और विथ द स्ट्रीम जो होगा या आप या डाउन स्ट्रीम जैसे बोलते हैं 18/4 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस होगा ये टाइम लग रहा है, ये डिस्टेंस होगा ये टाइम लग रहा है। तो इसमें जो पूछ रहा है स्पीड ऑफ द मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम जो 18/10 कितना होगा 10, तो ये 1.8 किलोमीटर पर आ होगा, तो ये पहला क्या स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा था स्पीड ऑफ द मैन इन स्टील वाटर, हमने यहाँ लेट कर लिया स्पीड ऑफ द मैन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, और ये जैसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई ले लिया है तो डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई होता है और अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई होता है, एक्स आपका ये एक्स प्लस वाई 18/, क्योंकि आप ये आपका डाउन स्ट्रीम में दिया है किलोमीटर और ये टाइम दिया है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फार्मूले से 18/4 हो गया और ये आपका अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई 18/10 हो गया। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट कर रहा था स्पीड ऑफ द मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम तो 1.8 आएगा किलोमीटर, अब इसमें दोनों को क्या करेंगे एक बार इसमें प्लस कर देंगे तो वाई से वाई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू ये 18/4 को हम निकालेंगे तो ये आपका 2 से कट जाएगा 9/2, 9/2 कितना होता है 4.5 और ये 1.8, तो 4.5 में 1.8 करेंगे तो ऐड करेंगे तो ये 6.3 होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका ये दिया था स्पीड ऑफ द मैन इन द स्टील वाटर, तो ये भी क्या है करेक्ट है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है तो इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, एक्स कैंसिल होगा तो 2i हो जाएगा, तो ये 4.5 आ रहा था ये और ये 1.8, 4.5 में से 1.8 माइनस करके 2.7 होगा और इसको 2 से डिवाइड करते 1.35 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी क्या आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है इन ए ट्रायंगल है साइड 5, 13 and 12 यूनिट्स एंड थीटा क्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। अब 5, 13, 12 ये क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो हम ये 5 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 13 ले लेंगे, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें इस एंगल को मान लो हमने थीटा ले लिया तो हमको साइन और कॉस निकालना है, तो साइन और कॉस में पता होता है कि हाइपोटेन्यूज क्या आता है नीचे आता है, 13 नीचे आएगा, तो सब में इसमें क्या है 13 नीचे है, तो साइन निकालोगे तो 5/13 आएगा और कॉस निकालेंगे तो 12/13 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 12 5/13 प्लस क्या हो जाएगा 12/13, तो 5 + 12 कितना हुआ 17/13। तो ये ओरल क्वेश्चन था, जिस बच्चे को ये पता है कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, पता है कि साइन और कॉस आएगा तो साइन कॉस में 13 ही आपका नीचे आएगा, एक बार 5/13 आएगा, एक बार 12/13, दोनों का ऐड करेंगे किसी को ले, इसको थीटा ले चाहे इसको थीटा ले आंसर आपका, इसको भी ले सकते थीटा तब भी आंसर यही आएगा और इसको थीटा लेंगे तब भी आंसर यही होगा, तो ये आपका 12 और ये आप 5 और 12 ऐड करना था 17/13 इसका आंसर था, ओरल आंसर था, इसलिए ऑप्शन इसमें क्या होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें कह रहा है कि एक्स जो है 0 और π/2 के बीच लाइज कर रहा है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स निकालना है, तो साइन एक्स की वैल्यू जो होगी 0 और ये आपका 90 के बीच में, साइन एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 और 0 के बीच लाइज करेगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, इसके बीच लाइज करेगी, और कोसेक जो होता है कोसेक 0 क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, और ये आपके साइन आपकी π/2 ये इसकी वैल्यू 1 होती है, आप कोसेक π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो क्योंकि ये आपका ग्रेट आपका लेस देन है आपका, तो इसकी वैल्यू जो होगी 1 से क्या होगी बड़ी होगी और आपका इन्फिनिटिव के बीच होगी, मतलब कोसेक एक्स जो होगा वो आपका किसके बीच लाइज करेगा, कोसेक एक्स जो होगा आपका ये आपका ग्रेटर देन ये 1 होगा, 1 से बड़ी होगी और आपका क्या होगा ये इन्फिनिटिव से क्या होगी छोटी होगी, ग्रेटर देन 1 होगा और इन्फिनिटिव से छोटी होगी।
अब इसको हमको निकालना हो कि इसमें से क्या आएगा, तो मान लो कि हम 90 को कंसीडर करें, तो साइन 90 की वैल्यू जो होगी, क्योंकि हम जीरो पे लेंगे तो आपका ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि कोसेक जीरो आपका क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा साइन जीरो, तो जीरो में इनफाइनाइट ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट ही जाएगा, तो आपका ये ग्रेटर देन तो आएगा ही, इसमें से ये लेस देन तो दोनों दोनों आंसर नहीं होगा, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तो अब इसमें हमको ये देखना है कि ये कौन सा ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि आप मान लो इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे इसके बीच में, मान लो 30 डिग्री पुट कर रहे हो, तो 30 डिग्री आप पुट करोगे, ऐसे भी चेक कर सकते हो, साइन 30 मान लो आपने पुट किया, तो साइन 30 पुट करें तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कोसेक 30 निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा, तो ऐसे आपके 2 से बड़ी हो गई वैल्यू ये। अब ये देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगी या लेस देन, आपका ग्रेटर देन 2 होगी या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं 1 की वैल्यू, जैसे हम ये पाई बाई 2 लेते हैं, तो साइन की वैल्यू क्या है, क्लोज टू 1 है, कोसेक की वैल्यू तो 1 से थोड़ा सा क्या होगी, ज़्यादा होगी ये, और ये 1 से हल्का सा क्या होगा, कम होगी। तो ये दोनों को जब सम करेंगे, जैसे मान लो ये अब इसको हम 1 से थोड़ा सा कम लेते हैं, तो 0.999 ले सकते हैं, और इसको हम 1 से ज़्यादा ले सकते हैं, तो 1 पॉइंट ये क्या होगा, जैसे हमने ये 0 1 ले लिया सपोज करो, जब इसको अब ऐड करें क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 10 ये 2, मतलब ये क्या होगा, 2 या 2 से दोनों को जब हम निकालेंगे, साइन एक्स प्लस आपका कॉस, तो 90 पे क्या होगा, 2 के आसपास आ सकती है वैल्यू, और इससे जैसे जैसे हम इससे कम होते जाएंगे 90 से पहले, तो ये आपका 2 से वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और ये इनफाइनाइट, तो इसलिए ऑप्शन इसमें क्या होगा, सी होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट इसको ध्यान से देखें तो ये इसमें, क्योंकि कई जगह आंसर की में भी कई लोगों ने ए मारा हुआ है, कई उन्होंने सी मारा हुआ, तो इसमें ये करेक्ट आंसर जो होगा ये इसमें सी होगा। 48 क्वेश्चन है, कर इफ साइन थीटा इक्वल टू दिस एंड थीटा आपका 0 और पाई बाई 2 के बीच लाइज कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा जो होता है अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये जो साइन थीटा की वैल्यू दी है हमने पुट कर दिया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये जैसे ए बाई बी का होल स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर होता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा ये, तो ये एम माइनस एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का ही होल स्क्वायर होगा, माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab, तो ये 4ab आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 4 ए की जगह एम स्क्वायर है, बी की जगह एन स्क्वायर है, तो 4m² एन स्क्वायर हो गया, नीचे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। रूट से निकालेंगे तो ये आपका क्यों वैसे प्लस माइनस आएगा, तो इसलिए ये कह रहा है कि जीरो और क्या इसके बीच दिया हुआ है, तो ये आपका ये वैल्यू थीटा का, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा वैल्यू, ये तो ये 2mn आ गया यहाँ पे, 2mn अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो आंसर इसमें कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे ओरल भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पता है कि ये आपका साइन थीटा दिया है और ये कॉस थीटा आपका दिया है, तो साइन और कॉस थीटा में दोनों में क्या होता है कि जो आप कहीं भी आप ट्रेंगल में इसे बनाते हो, यहाँ पे ये मान लो आपने थीटा लिया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये साइड सी है, तो आप देखोगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, ए बाई सी हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गया, बी बाई सी हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में जो डिनोमिनेटर आएगा, ये हाइपोटेन्यूज ये क्या आएगा, सेम आएगा, ये दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, और केवल ए में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया है, बाकी यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी, तो इसमें हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने समझाने के लिए बताया, सिंपली यहाँ पे साइन थीटा हम देखेंगे कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना है, ये आपको दे रखा है, और कॉस थीटा हमको निकालना है, तो कॉस थीटा में हमारा सिंपल सी बात है कि हम देखेंगे ये आपका डिनोमिनेटर में यही चीज़ आएगी, क्योंकि आपका ये साइन थीटा आपका पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, तो बी एच मतलब हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम ही आएगा यहाँ पे, तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर ये सेम आएगा, और ये आपका ऊपर की वैल्यू जो भी आएगी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन तीनों में तो कहीं है ही नहीं ये, तो तीनों तो आंसर ऐसे ही नहीं हो गए, आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह ट्रिक से क्वेश्चन ज़्यादातर सीरियस में पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रिक का यूज़ ज़्यादातर होता है, उस ट्रिक को पकड़ना होता है कि कैसे इसमें आपका यूज हुआ है, इसलिए ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। इफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 30 डिग्री एंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 10, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी निकालना है। अब मान लो ये आपका ये सर्कल दिया है ऐसे, इसमें आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि ये कह रहा है कि जो ट्रायंगल आपका ये बना हुआ है, ट्रायंगल का आपका ट्रायंगल का क्या है, ये आपका सर्कम सर्कल है ये,
क्या है, सरकम सर्कल है। इसका आपको क्या दिया है, रेडियस दिया है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले सर्कल ही बना लेते हैं। सर्कल बना के कहीं भी ऐसे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें एक एंगल हमने 30 डिग्री ले लिया। जैसे ये एंगल हमारे 30 डिग्री ले लिया, अब इसमें क्या हो गया, जब मान लो ये एंगल हमने 30 डिग्री ले लिया, अब इसका ये सेंटर हो जाएगा यहाँ पे। तो सेंटर यहाँ पे हो गया, ये ए ले लिया यहाँ पे, ये बी हो गया, सी हो गया। तो बी सी को हमको फाइंड करना है। अब इस सर्कल का ये सेंटर यहाँ पे है, और सेंटर से हम इस दो साइड को हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो आपका बनेगा, ये सेंटर हो गया, और इसी आर्क बी सी पे ये आपका एंगल बनाया 30 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल 30 बनाया, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, इसका डबल होती है 60 हो जाएगा। ये जब 60 हो जाएगा, तो ये साइड ये आपको दे रखा है 10, ये भी 10 दे रखा है। तो ये 10 है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, 60 60 हो जाएंगे, क्योंकि 60 है, साइड इक्वल है, दोनों एंगल एक्स और एक्स इक्वल हो, एक्स प्लस एक्स 120 होगा। तो ये भी आपको, तो ये ट्रेंगल जो बनेगा ये वो मान लिया इसको, तो ओ बी सी क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल बन जाएगा। तो ये 10 दिया है रेडियस, तो ये भी एक किसकी क्या हो जाएगी, 10, मतलब बी सी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 10। तो ऑप्शन इस पर तो हो जाएगा बी। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से करें तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अब जैसे भी एंगल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो उसी तरह यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, उस तरह ये इस साइड भी आपकी चेंज होती चली जाएगी। इफ ए इक्वल टू दिस, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये प्लस हो गया, तो इसका एलसीएम लिया, 2√2 आ गया, ये 2 - √2 आ गया, यहाँ पे 2 + √2 आ गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया। अब इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, 2 + √2 दिया है 2 - √2 से, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, और दोनों का इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4√2 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 - √2, तो ये 2 आ जाएगा। 2 यहाँ से 6 + आपका 4√2 आएगा, 2 यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 3 - √2 आएगा, नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 3 - आपका 2√2 आएगा। यहाँ भी हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, तो ये आपका इसकी वैल्यू √2 होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है, इसकी √2 होती है, इसकी -+1 होती है। तो आपका यहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, फिर इसको रेशनलाइज कर दिया 2 - √2 - 1 से, तो ऊपर आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, आपका √2 का स्क्वायर 2 हो गया, +1 3 हो गया, -2√2 हो जाएगा ये, अपान नीचे क्या होगा, 2 - 1 आएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा ये। तो ये भी आपका 3 - √2 आ रहा है, ये भी 3 - 2, तो ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल, इसलिए ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताएं। अभी तक आपने मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ये मेरे फेसबुक का पेज है मैथ्स एंड मोर के नाम से, इसको भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।